आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल, इसकी हमारी चर्चा चल रही है। पिछले 2 सेशन में हमने चर्चा की थी मोक्ष प्राप्ति का पहला बोल, मोक्ष की इच्छा करने से जीव एक भव अवतारी अथवा अल्प भव में मोक्ष जा सकता है। इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी मोक्ष की इच्छा का स्वरूप, 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा। उसके साथ साथ हमने चर्चा की थी डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल हमारी अनादि काल से चल रही है, उसको ब्रेक करने की इच्छा। तीसरी हमने चर्चा की थी कर्म बंधन के क्या कारण है, उनको जानना, फिर उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो कर्म बंधन के 5 कारणों की चर्चा की थी, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, वसाय और योग। आज हम चर्चा करेंगे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा का बाह्य कारण। कभी कभी बाह्य कारणों को देख करके भी व्यक्ति के भीतर संवेग की भावना, वैराग्य की भावना, मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा हो जाती है। वे कारण कौन से हैं? फर्स्ट है जिनेंद्र देव के दर्शन। जिनेंद्र देव के दर्शन यानी भगवान 24 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर के हम दर्शन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से भी व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है परमात्मा के दर्शन पापी को भी पावन बना देता है। परमात्मा के दर्शन यानी भगवान के दर्शन से हमारे पापों का भी नाश होता है। इवन केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कभी कभी किसी जीव को हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ऋषभ देव की माता मरुदेवी को केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। जब भगवान ऋषभ दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद माता मरुदेवी भरत को कहती है मुझे भगवान ऋषभ के दर्शन करा दो, क्योंकि माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है। कई बार भरत को कहती है मुझे दर्शन करना है, बता नहीं मेरा ऋषभ वो क्या करता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। उसकी चिंता में वो रहती थी। और कहा जाता है इतनी मतलब भगवान ऋषभ के प्रति स्नेह के कारण अपनी आंखों की जो रोशनी थी वो भी, उनका तेज भी कम हो जाता है। इतना उनके प्रति आकर्षण था, उतना स्नेह था, जिसके कारण वो हमेशा अपने पुत्र ऋषभ को याद करती और भरत को पालन देती। तुम तो राज्य के काम काज में उलझे हुए हो, मुझे दर्शन भी नहीं कराते हो। अचानक मैसेज आता है ऋषभ पिता अब पिता नहीं, अब जगत पिता हो गए हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ऋषभ के दर्शन करने के लिए मरुदेवी माता से भरत कहता है दादी जी आज हम चलेंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे पिताजी जगत पिता बन गए, उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है। मरुदेवी माता हाथी की होदे पे, आप देख रहे हैं अंबाड़ी, हाथी है उसके ऊपर अंबाड़ी लगी हुई है, उसपे मरुदेवी माता बैठ करके भगवान ऋषभ के दर्शन करने के लिए जाती है। भगवान ऋषभ का संवसरण आता है। भरत ने कहा देखो दादी जी यह भगवान ऋषभ का संवसरण है। जैसे दूर से ही देखा, अभी तक तो नीचे भी नहीं उतरे, दूर से देखा और कहा अरे ऋषभ मैं आपकी माँ, आपको दर्शन करने के लिए आ गई हूँ। लेकिन ऋषभ तो आंख उठा करके भी नहीं देखता। तब माता मरुदेवी को चिंतन आता है मैं कितना मोह कर रही थी, मैं तो दिन रात खाना पीना मेरा हराम हो गया था, ऋषभ 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 करती रहती थी, लेकिन ऋषभ तो आंख उठा करके भी नहीं देखती है, देखता है धिक्कार है मुझे, मैं कितना मोह कर रही थी, धिक्कार है, अपने आप को धिक्कारती है। और थोड़ी ही देर में मोह कर्म क्षय होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
जब दर्शन करने के लिए आ रहे थे तब तक तो वो मिथ्यात्व थे, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन किए, दर्शन करते ही अपने आप को धिक्कारा, मोह को कम किया और क्षय सम्यक्त की सबसे पहले प्राप्ति हुई। उसके बाद मोह कर्म क्षीण होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। रानी की पोशाक में दीक्षा भी नहीं ली, कभी उन्होंने अपनी लाइफ में नवकाशित अब भी नहीं किया था, और आयुष्य कितना लंबा था, 1 करोड़ पूर्व का। इतना लंबा आयुष्य, अपने जीवन में कोई त्याग प्रत्याख्या नहीं किया, लेकिन भावों की श्रेणी ऐसी बढ़ी भगवान के दर्शन से। भगवान के दर्शन से भावों की श्रेणी बढ़ी, क्षायिक समय की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनका आयुष्य शेष नहीं था। इसीलिए हाथी के होदे बैठे बैठे ही सिद्ध हो जाती है। भगवान ऋषभ कहते मरुदेवा सिद्धा, मरुदेव माता सिद्ध हो गई है। इस अवसर पीणी काल में सबसे पहले मोक्ष का द्वार खुलने वाली कोई है, वह है मरुदेव माता। तो कहने का मतलब है, भगवान के दर्शन से भी हमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। माता मरुदेवी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, वैसे कोई भी यदि भावों के साथ दर्शन करे उनको भी हो सकती है। दशान भद्र राजा भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनको भी वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वो अपने ठाठ बाढ़ के साथ आए थे। इंद्र ने देखा दर्शन करने भगवान के आए, और साथ में इतना ईगो, अपनी धन वैभव जो फैसिलिटी है उनको दिखाना चाहते हैं, इसलिए मुझे उनका ईगो है कम करना चाहिए, ऐसा सोच करके इंद्र उनसे भी ज्यादा ठाट बाट के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। तब दशान भद्र राजा सोचते हैं, मैं तो झूठा अहंकार कर रहा था, लेकिन मेरे से तो कितने सारे धन वैभवशाली है, कितने सारे मेरे से भी ज्यादा पैसे वाले हैं, मैं झूठा ही अहंकार कर रहा था। तो भगवान का दर्शन करते ही उनका अहंकार भी समाप्त हो जाता है। भगवान से कहते मुझे दीक्षा पचका दो, तो भगवान के दर्शन से उनके मन में दीक्षा लेने की इच्छा होगी, उन्होंने दीक्षा ली, माँ का कल्याण किया। ऐसे कई प्रसंग है, भगवान के दर्शन से पापी भी पावन बन जाते हैं। जैसे अर्जुन माली प्रतिदिन 7 जीवों की हत्या करता था, और जो दृढ़ प्रहारी वो भी कितने जीवों की हिंसा करता था, बड़ा चोर था, लेकिन भगवान के दर्शन से पापी आत्मा भी पावन बन जाती है, उन लोगों का भी उद्धार हो गया। अर्जुन माली भी 6 महीने के भीतर भीतर इतनी क्षमा की, मोक्ष को प्राप्त हो गए। दृढ़ प्रहारी भी इतने कर्मों का बंधन किया था, वो भी सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के उनका भी मोक्ष हो गया। तो जिनेंद्र देव के दर्शन हम भावों से भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं, तो परोक्ष भी कर सकते हैं। इस अवसर पीणी काल में प्रत्यक्ष दर्शन हमें भगवान की नहीं हो रहे, लेकिन परोक्ष भी हम उनके गुणों का स्मरण करें, उनका जो उनके द्वारा जो बताए गए शास्त्र है उनको हम पढ़े और उनकी हम भावों से भक्ति करें, तो भी हमें हम अपने कर्मों से काफी हल्के हो सकते हैं। दूसरा है सद्गुरु के चरणों की उपासना। मोक्ष की इच्छा का बाह्य कारण दूसरा सद्गुरु के चरणों की उपासना, यानी गुरु के चरणों की उपासना करने से भी हमारे भीतर वैराग्य का भाव जागृत होता है। कभी कभी गुरुदेव के दर्शन करने आते हैं जो मन में बिल्कुल वैराग्य नहीं होता, लेकिन जैसे गुरुदेव का दर्शन करते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, उनके भीतर वैराग्य जागृत हो जाता है। तो सद्गुरु के चरणों की उपासना, गुरु के दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ होता है, कहा जाता है गुरु के दर्शन करने से करोड़ों भवों के जो पाप होते हैं वो भी नाश हो जाते हैं। और जिस गांव में गुरुदेव पधारते हैं, साधु संतों का पधारना होता है, उस गांव का भाग्य जाग जाता है। और जिस घर में साधु संत विराजते हैं उस घर का अहोभाग्य होता है, जिसका अहोभाग्य होता है उनके घर में ही साधु संत विराज सकते हैं। तो सद्गुरु के चरणों की उपासना करने से भी हमारे भीतर वैराग्य की भावना जागृत होती है। तो साधु का दर्शन करना भी पुण्य कहा जाता है, साधुनाम दर्शनम पुण्य,
साधु के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, क्योंकि हमारे अशुभ कर्म होते हैं वो समाप्त होते हैं, और अशुभ कर्म कर्म जो हमारे अशुभ कर्म थे वो नष्ट होने से पुण्य का भी बंध होता है। जो भी हम आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान जो भी करते हैं उसके पीछे पुण्य का बंध होता है। गुरु को हमने दर्शन किए, गुरु के साधु संतों के दर्शन किए, उससे हमारे मन वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति हुई, एक्टिविटीज हमारी गुड हो गई, जिसके कारण अशुभ कर्म थे वो क्षय हो गए और शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म का बंध हो गया। तो गुरु के दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, इसीलिए कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम। तो साधु का दर्शन से पुण्य होता है, और कहा जाता है एक श्लोक बहुत अच्छा है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा तथा पापम तापम दैन्यम च हरति साधु संगमः। जो गंगा होती है वो क्या करती है, पाप का हरण करती है, शशि यानी चंद्रमा वो ताप का हरण करता है, और कल्प वृक्ष दीनता यानी गरीबी का हरण करता है यानी गरीबी को दूर करता है। लेकिन साधु का दर्शन क्या करता है, पाप ताप संताप और दीनता तीनों का हरण करता है यानी तीनों को दूर करता है। एक एक चीज थी, जो गंगा तो केवल पाप का हरण कर रही थी, चंद्रमा शशि यानी चंद्रमा वो केवल ताप का हरण करता था, ताप यानी जो धूप गर्मी, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी से गर्मी शांत हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से हमारी जो भी डिमांड होती है, इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती है, इसलिए व्यक्ति की गरीबी होती है वो दूर हो जाती है और व्यक्ति रिचमैन बन जाता है। लेकिन साधु का दर्शन करने से एक साथ ही हमारी तीनों चीज समाप्त हो जाती है, पाप भी समाप्त हो जाते हैं और ताप यानी हमारे भीतर जो भी गरीबी है वो भी दूर हो जाती है, और उसके साथ साथ ताप पाप ताप और संताप तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। किसके दर्शन करने से, साधु के दर्शन करने से, गुरु के दर्शन करने से। तो करोड़ों भवों के पाप गुरु के दर्शन यदि हम उत्कृष्ट भाव से करते हैं तो करोड़ों भवों के दर्शन भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी महाराज, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने 18,000 साधुओं को वंदन किया, 18,000 साधुओं को भावपूर्ण वंदन किया, वो भी दीक्षा क्रम से, ऐसे नहीं जो भी आए, दीक्षा क्रम से 18,000 साधुओं को श्री कृष्ण जी महाराज, जो श्री कृष्ण जी वासुदेव थे, तीन खंड के अधिपति थे, चक्रवर्ती होते हैं वो छह खंड के अधिपति होते हैं, लेकिन जो वासुदेव होते तीन खंड के अधिपति थे, और अरिष्ट नेमी के वो चचेरे भाई थे। तो कृष्ण जी महाराज के मन में, वासुदेव कृष्ण के मन में आता है, आज मुझे भगवान के दर्शन करने, साथ में उनके साथ जितने भी साधु 18,000 उन सभी को भी मुझे वंदन करना है, वो भी दीक्षा क्रम से करना है। तो 18,000 साधुओं को वंदन करने के कारण कृष्ण महाराज की चार नारकी टली, क्योंकि कृष्ण जी महाराज के सात नारकी का बंधन हुआ हुआ था, लेकिन भाव पूर्ण वंदन किया, और भावपूर्ण वंदन करने से उनकी चार नारकी के बंधन तो कम हो गए। और अरिष्ट नेमी से कहा कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, साधुओं को वंदन करने के बाद कहा, इतने मैंने युद्ध लड़े अपने जीवन में, लगभग 120 के 180 शायद युद्ध लड़े, लेकिन उसमें भी मुझे उतनी थकान नहीं है, आज मुझे बहुत थकान आ गई। आज कृष्ण जी तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो क्या काम किया, आज तुम्हारे जो सात नारकी के बंधन हुए थे, सात नारकी के बंधन हो गए थे, उनमें से चार नारकी के बंधन तो कट हो गए। अच्छा ऐसी बात है, वापस मैं जाता हूँ दर्शन करने के लिए, तो ताकि मेरे तीन नारकी के जो बच्चे हैं वो भी मेरे दूर हो जाए। अरिष्ट नेमी ने कहा, अब हो नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपके मन में क्या भावना आ गई, मेरे नारकी के बंधन टूटे उसके लिए, पहले तुमने निस्वार्थ भाव से, तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा नहीं थी, तुम्हारे मन में एक ही इच्छा थी, मुझे साधुओं को भावपूर्ण वंदन करना है, तो भावों से वंदन किया, उसके कारण तुम्हारे चार नारकी के बंधन कट हो गए, लेकिन अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अब निकाचित हो गया है, उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आने वाली 24 में आप क्या बनोगे, तीर्थंकर बनोगे। श्री कृष्ण जी उत्सर्पिणी काल में 12वें तीर्थंकर बनेंगे, उनका नाम भी फिक्स हो गया, अमंग नाम के तीर्थंकर बनेंगे, 12वें तीर्थंकर बनेंगे। तो कहने का मतलब है, साधुओं को दर्शन यदि हम करते उससे हमें कितना बड़ा लाभ हो जाता है,
जब भी हम जाए साधुओं को, वो हमें जिकारा दे, देखे न देखे, लेकिन हमें अपनी ओर से भावपूर्ण वंदन करना चाहिए, जिससे हमारा तो लाभ होगा ही, हमें तो लाभ होगा ही, हमारा उद्धार होगा। तो गौतम स्वामी के दर्शन करने से 500 तापस सन्यासी बन गए। जब गौतम स्वामी सम्यक शिखर पर चढ़ रहे थे तो उनके पास ऐसी लब्धि थी, वो सूर्य की किरण के माध्यम से, सूर्य की जो किरण होती है उसके सपोर्ट से वो शिखर जी चढ़ रहे थे। तो वहां तापस थे, उन्होंने देखा हम तो कितनी तपस्या करते, कितना तप करते, फिर भी हमारे पास ऐसी लब्धि नहीं, ये तो कोई बड़े महान व्यक्ति लग रहे। तो उनको उनके दर्शन से उनके भीतर वैराग्य की भावना जागृत होती, और गौतम स्वामी जी कहा कि हमें भी दीक्षा मज कर दे, हम भी आपके जैसा बनने बनना चाहते हैं। 500 तापसों को उन्होंने दीक्षा दी, और 500 तापस को दीक्षा देने के बाद भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए ले जाते हैं, और जैसे ही भगवान का सम्भोषण देखा और कहा ये भगवान का सम्भोषण है, मैं तो कुछ नहीं, मेरे गुरु है, उनका सम्भोषण है। जैसे ही 500 तापसों ने दूर से देखा इतना अद्भुत संवसरण, क्योंकि देवता रचना करते अद्भुत होता है, तो कहा इतना अद्भुत संवसरण देखते ही 500 तापसों को, अभी तो दर्शन नहीं किए भगवान के, दर्शन करने से पहले ही करवा उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूं, व्हाट्सएप से ज्यादा यूज करती नहीं, सिवाय कॉल किया आपसे, इसलिए ना। तो गौतम स्वामी के दर्शन करने से 500 तापस को क्या हो गया, दीक्षा की भावना होगी, यानी उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली, और भगवान महावीर के दर्शन तो किए नहीं, उससे पहले ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो साधुओं का दर्शन करने से भी हमें कितना बड़ा लाभ हो जाता है, दीक्षा की भावना भी हो जाती है, और कभी कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। साधुओं को दान देने से भी कितना बड़ा लाभ होता है, आपको पता है? नैषार, नैषार कौन था पता है? नैषार भगवान महावीर का जीव, सबसे पहले नैषार के भव में उन्होंने क्या किया, साधुओं को दान दिया, क्योंकि तो साधु रास्ता भूल गए थे, तो साधु रास्ता भूल गए थे। इधर नैषार जो सुथार था, लकड़हारा था, वुडकटर था, वो खाना खाने बैठता है, क्योंकि साथ में टिफिन लेके आया था, वो जंगल में जो लकड़ी होती थी वो काटने का काम करता था, लकड़हारा, यानी भगवान महावीर का जीव नैसार, नैसार के भव में वो लकड़हारा था, तो लकड़हारा वो लकड़ियां काटता था, तो अपने साथ टिफिन भी वो खाने का ले जाता था। तो भूले भटके साधु आते और कहा आज हम रास्ता भूल गए। नैसार ने कहा कोई बात नहीं, पहले आप भोजन करें, मैं भी भोजन करूंगा, आप भी मेरे हाथ से ले और मुझे कृपा कराए, दान का मुझे लाभ दे। तो साधुओं ने भिक्षा ग्रहण की नैसार के हाथ से, नैसार ने उत्कृष्ट भाव से भिक्षा दी, यानी आहार पानी दिया, जिससे उनको पहली बार जीवन में, लाइफ में पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इससे पहले नैसार मिथ्यात्मी था। अपन भगवान महावीर की 27 भवों की गिनती करते हैं, 27 जो भवों की हम काउंट करते हैं वो कब से है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद की है। इससे पहले तो उन्होंने भी हमारे जैसे अनेक भव किए, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मेन उन्होंने 27 भव किए। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहली बार प्रभु महावीर को कब हुई, नैसार के भव में हुई। वो कब हुई, कैसे हुई, साधुओं को दान देने से। साधुओं को दान दिया, साधुओं ने भी कहा आपने हमें रास्ता दिखाया है तो हम भी आपको मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, उन्होंने उपदेश दिया, उनके उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो साधु को दान देने से कितना बड़ा फायदा हो जाता है आपको बताएं, शालीभद्र पूर्व भव में क्या था, संगम नाम का ग्वाला था, उन्होंने भी संगम ने भी क्या किया, खीर, साधु जो मांस खमण के पालने वाले तपस्वी थे उनको खीर का दान दिया। खीर का दान देने से उत्कृष्ट भाव से दिया, क्योंकि दान देने देते समय भी उत्कृष्ट भाव होने चाहिए, देने के बाद भी बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आज तो मेरा दिन धन्य हो गया, मैंने अपने हाथ से दान दिया,
दान तो दे दिया, अरे इतना सारा लेके गई अब हम क्या खाएंगे, पीछे से पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, तो जो दान का लाभ मिलने वाला था वो भी कम हो जाता है। इसलिए दान देने के बाद कोई भी शुभ काम करते हैं उसके बाद हमें खुशी होनी चाहिए, और कोई भी संसार का काम करते हैं उसके बाद हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुशी होने से उसमें पाप कर्म का बंध होगा। और आध्यात्मिक धार्मिक जो भी हम अनुष्ठान करते हैं उसके बाद हमें खुशी होनी चाहिए। आपने सामायिक भी कर लिया, अरे सामायिक नहीं करती तो काम काज मेरा मेरा जल्दी हो जाता, फालतू में नहीं सामायिक की, समी जी ने कह दिया मुझे सामायिक करनी पड़ी, तो ऐसा अगर भाव आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारे सामायिक का जो लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया। इसीलिए हमें सामायिक करने के बाद भी खुशी होनी चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करे उसके बाद हमें खुशी होनी चाहिए, दान दे उसके बाद भी खुशी होनी चाहिए। तो संगम ने मांस खमण के तपस्वी को खीर का दान दिया, उत्कृष्ट भाव से दिया, उत्कृष्ट भाव से दान दिया, उसके कारण इतना पुण्य बढ़ गया उनका। मरने के बाद एकदम गरीब था संगम, तो खाने के लिए रोटी नहीं थी, पानी के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान, ऐसी पुअर स्थिति थी उनकी। उसके बाद मृत्यु के बाद वो मर करके क्या बनता है, शालीभद्र। प्रतिदिन स्वर्ग से 33 बेटी आती है, एक बार जो यूज कर लिया उसको वो दूसरी बार नहीं करता, अंगूठी चेन जो भी है, सोने चांदी जो भी है वस्तु, एक बार यूज कर ली दूसरे दिन वो नहीं पहनेगा। आज आपने ये पहन लिया, आप तो बार बार पहनते ना चेन को, लेकिन वो नहीं पहनता था, एक बार जो यूज कर लिया दूसरी बार उस चीज को यूज नहीं करता, फेंक देता। रोजा रोज की नई चीजें स्वर्ग से आती थी, इतना पुण्य बढ़ गया। 33 पेटियां, 32 तो उसके पत्नियां थी शालीभद्र के, 32 और एक खुद, तो 33 पेटियां स्वर्ग से एवरीडे आती थी। इतना इतनी रिद्धि सिद्धि कैसे बढ़ गई, दान देने से। दान देने का कितना बड़ा महत्व है, साधुओं को दान देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य होता है। पुण्य के लिए भी नहीं करना है, लेकिन हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। और साधु को दान देने से तीर्थंकर गोत्र का भी बंध हो जाता है, ज्ञाता सूत्र में कहा है तीर्थंकर गोत्र का भी बंध हो जाता है। ये बाह्य दर्शन भी क्या होता है, यदि हम बाह्य दर्शन करते हैं साधु के तो ये उससे भी हमारे भीतर वैराग्य की प्राप्ति होती है, और उसके साथ साथ हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन भी मिल सकता है। उसके साथ साथ तीसरा है सत्य शास्त्र का श्रवण और चिंतन, पहला था जिनेन्द्र देव का दर्शन, दूसरा था साधुओं का दर्शन यानी गुरु सदगुरु के चरणों की उपासना, तीसरा है सत्य शास्त्र का श्रवण और चिंतन। सत्य शास्त्र का मतलब है सत्य शास्त्र के श्रवण से बालक आगे जाकर 10 पूर्वधर आचार्य बने, जो वज्रसामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्य शास्त्र का मतलब है जैन आगम, जो जैन स्क्रिप्चर है उनको हम पढ़ते हैं, भगवान की जो वाणी है वो किस में है, जैन आगमों में है। तो तीर्थंकरों ने जो बोला, गौतम ने गणधरों ने क्या किया, उनको लिपिबद्ध किया, गुम्फन किया शास्त्रों के रूप में। तो आज हम जो हमारे सामने 32 आगम है वो किसके हैं, सुधर्मा स्वामी के हैं। सुधर्मा स्वामी के रचित जो आगम है उनको हम पढ़ते हैं, इसलिए आप बार बार आएंगे, सुधर्मा कहते हैं जम्बू तुम सुनो, क्योंकि जम्बू स्वामी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर को नहीं देखा था, इसलिए जम्बू स्वामी हर बात को पूछते हैं सुधर्मा स्वामी से, भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है मुझे बताइए। तो सुधर्मा कहते हैं कि मैंने भगवान से ऐसा सुना है, मया स्वयं मैंने ऐसा सुना है कि भगवान ने ऐसा कहा है। तो सुधर्मा स्वामी ने 32 आगमों की रचना की, ये जो 32 आगम है उनको हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उससे भी हमारे कर्मों की निद्रा होती है, भीतर में मोक्ष की इच्छा होती है कि हमें भी जल्दी मोक्ष मिले। तो आपको पता है जो वज्र स्वामी छोटे से बच्चे थे, क्योंकि वो गर्भ में थे उस समय उनके पिताजी ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद जब वो 3 महीने के होते हैं उस समय सब उनके घर में गीत गाने के लिए आते हैं, लेकिन वो तो रोते ही रहते रोते ही रहते, चुप नहीं होते, क्योंकि उनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया था। तो जाति स्मृति ज्ञान हो गया तो उन्होंने सोचा कि मैं रोता रहूंगा तो मेरी माँ मुझे निकाल देगी, तो वो रोता ही, इतनी माँ उनको मनाती है करती है, फिर भी वो रोता ही रहता है।
एक दिन वज्र स्वामी जो सॉरी इनके पिताजी हैं वो दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद वो भिक्षा के लिए आते, गोचरी के लिए आते, गोचरी करते करते वो उनके घर में आ जाते हैं। जैसे ही पिताजी को देखा वो बच्चा जो वज्र नाम का बच्चा था, उनका नाम कुछ और था लेकिन वो बच्चा क्या है वो चुप हो जाता है। तो उसकी माँ बोलती है कि आपको ही मैं ये बच्चा दे देती हूँ, ये मैं तो परेशान होगी, इतना वो रोता है, इतना रोता है, मैं एकदम परेशान होगी, मैं आपको आज गोचरी में ये देती हूँ। तो फिर वो गोचरी में झोली में वो बच्चे को लेके आ जाते हैं। तो फिर वो गोचरी वो उनके गुरु को दिखाते हैं, क्योंकि तो जो भी हम लाते हैं गुरु को दिखानी होती है। तो गुरु को दिखाए, झोली इतनी भारी, इतनी भारी, क्योंकि बच्चा का वेट था तो 3 साढ़े 3 4 किलो जो भी होगा, कितना होगा पता नहीं, तो इतना इतना भारी था कि तो वज्र जैसी भारी है, इसलिए उनका नाम वज्र हो गया। वज्र स्वामी से वो प्रसिद्ध हो गए। और वो बच्चा कितना, 3 साल का शायद होगा संभवतः, पता नहीं 3 साल या 1 साल का। तो बच्चे को छोड़ दिया, उनके जो होते हैं ना साथ में श्राविकाएं होती हैं उनको सौंप दिया कि थोड़ा बड़ा करो उसके बाद हम दीक्षा देंगे, क्योंकि तो 8 साल तक दीक्षा नहीं दे सकते। तो वो आरिकाएं श्राविकाएं क्या करती, उनको आगम का स्वाध्याय कराती, आगम सुनाती। आगम सुनते सुनते, शास्त्रों को सुनते सुनते बच्चे को सारे याद हो गए, जो भी आगम सुनता है। इसलिए बोलते हैं बच्चे का जो दिमाग होता है, अपने को लगता है बच्चा कुछ समझता नहीं, इसलिए बच्चे के सामने कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो बच्चा जो भी होता है वो ग्रास करता है, उनकी ग्रासिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो वो जो ये जो वज्र स्वामी ने क्या किया, बच्चा था एकदम झूले में झुलाते, लोरी सुनाते, लोरी आगम की सुनाते, उत्तराधन सूत्र, दसवीकालिक सूत्र, आचारंग सूत्र, ऐसे उनको सुनाते रहते। तो 32 आगम सुनाए, 14 पूर्व सब उनको सुनाते रहते। तो सुनते सुनते उस बच्चे को सारा याद हो जाता है। जब वो 8 साल का होता है तब वो दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद एक दिन क्या होता है, उनके जो गुरु थे वो सब बाहर जाते पंचमी समिति के लिए। ये पीछे से वो क्या करता है, इतनी सामने बहुत सारी बुक्स रख लेते हैं और जो भी उपकरण थे उनके पास सामने रख लेते, तुम सब सुनो मैं तुमको व्याख्यान सुनाता हूँ। तो गुरु जैसे ही पंचमी समिति से लौटते देखा, अरे ये किसको सुना रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान कर रहा है, ये तो लगता है होनहार बालक है, अभी तो मैंने कुछ सिखाया नहीं, उससे पहले वो तो शास्त्रों को बोल रहा है। तो गुरु को बहुत आश्चर्य होता है। और थोड़े बड़े होते हैं, उनको थोड़े बड़े होने के बाद 10 पूर्व का ज्ञान हो गया, 32 आगम तो पहले से उनको याद हो गए थे। तो गुरु ने उनको 500 शिष्य दे दिए, उनको आचार्य बना दिए। कहने का मतलब है सच, शास्त्र का श्रवण और चिंतन करने से हमारे भीतर वैराग्य की भावना जागृत होती है, आगे जाकर के व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। जैसे वज्र स्वामी ने केवल सुना, उन्होंने चिंतन भी, वो बच्चा था जानता क्या था, सुना और उसके साथ अगर हम चिंतन करें कि ऐसा हो करने से ऐसा पाप लगता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तब हमारे भीतर वैराग्य होता है। हमें पता नहीं कि वनस्पति में कितने जीव होते हैं, वनस्पति जो जमीकंद होती है उसमें एक सुई की नोक पर टिके, उसमें अनंत जीव होती है। वो हमें जानकारी कब होती है, जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तब होती है। अगर हम सुने ही नहीं तो हमें वैराग्य कैसे होगा। तो मोक्ष की इच्छा प्राप्ति का बाह्य तीसरा कारण है सत शास्त्र का श्रवण और चिंतन। तो सत शास्त्रों का हम श्रवण करते रहे, प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहे, क्योंकि तो स्वाध्याय भी निर्जरा का एक प्रकार है। निर्जरा के 12 प्रकार है, उनमें एक प्रकार है स्वाध्याय। स्वाध्याय करें, आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगता हो, मन कई लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स बहुत आते हैं, ऐसे थॉट्स नहीं आते, क्योंकि ऐसे तो आप प्रवृत्ति में लगे हुए हैं तो थॉट्स कहाँ से आएंगे। जब निवृत्ति होती है तब ही थॉट्स आएंगे ना, क्योंकि अनादि काल के संस्कार है, वो विचार थॉट्स हमारे अंदर आते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान में मन आपका न लगे तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय भी निद्रा का प्रकार है। संकल्प कर सकते हैं कि प्रतिदिन मैं 5 पेज पढ़ करके ही सोऊंगा, इससे पहले नहीं सोऊंगा। 5 पेज पढ़ते 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 एक बुक कंप्लीट हो जाती है। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं, एक बुक चालू रखे, एक बुक कंप्लीट कर ले फिर दूसरी बुक स्टार्ट करें, और उसमें से कोई अच्छी बात हो उसको भी नोट कर ले ताकि आपको याद रहेगा। क्योंकि बार बार तो पढ़ नहीं सकते उस बुक को, पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो पढ़ते हैं उस समय जो भी अच्छी बात लगे उसको नोट करें,
फिर अपना जो थॉट्स रहे नया उसको शेयर कर दे, मैंने ये पढ़ा, तो सामने वाले को भी एक विचार, आपका एक विचार, इनका दो विचार हो जाएगा। 1 रुपया देंगे तो 2 रुपये नहीं होगा ना, विचार थॉट से एक का एक हम देते हैं, एक सामने वाला देते हैं, तो हमारे पास दो विचार हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी हम अच्छी बात पढ़े उनको हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को शेयर करना चाहिए। तो शास्त्रों का हम स्वाध्याय करें, और उसके साथ साथ घर में यदि हमारे 32 ही 32 यानी 32 आगम होते हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव होते हैं, उसके प्रभाव से बाहरी जो शक्तियां होती है भूत पिशाच आदि की जो शक्तियां होती है, कोई टोना टोटका करते रहते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे पे नहीं पड़ता है। कभी कभी किसी को ज्वेलेसी होती है, ईर्ष्या होती है, तो क्या करते हैं, टोना टोटका कर देते हैं, सामने वाले व्यक्ति का बिजनेस बंद कर देते हैं, या कुछ न कुछ उनको तकलीफ देते हैं। यदि हमारे घर में 32 आगम होते हैं तो उसके प्रभाव से बाहरी शक्तियां हमारे घर में इंटर नहीं कर सकती, इतना बड़ा प्रभाव है। 32 आगम का यदि हम एक बार पूरा स्वाध्याय कर ले, एक भव हमारा कम हो जाता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं 32 ही नहीं पढ़ी थी तो 32 ही बेकार है। यदि हमने 32 ही नहीं पढ़ी तो हमारी 32 ही बेकार है। तो 32 ही पढ़ने से नहीं, 32 यानी 32 आगम पढ़ने से हमारा एक भव कम हो सकता है। अगर आप पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सुनाए उनको, सुने, क्योंकि 32 आगम का मेरा लक्ष्य है। तो मैं अभी आचारंग सूत्र का स्वाध्याय करा रही हूँ, जैसे करके मैं क्रमशः याद सोच रही हूँ कि 32 आगम जितना मैं करा सकती हूँ, कराने की इच्छा है। तो 32 आगम पढ़ने से एक भव हमारा कम हो जाता है, तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। शास्त्रों का पठन करने से, चिंतन करने से, पढ़ने से कितना बड़ा लाभ हो जाता है। एक जन्म, जन्म का कितना दुख होता है, मृत्यु का कितना दुख होता है, एक भव हमारा कम हो जाता है यदि हम 32 आगमों का स्वाध्याय करते। आप मूल पाठ न पढ़े लेकिन आप हिंदी हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट भी हो गया है, गुजराती में भी हो गया, इंग्लिश भी काफी आगम हो चुके हैं ट्रांसलेट। तो उसमें आप जो भी आप जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, जिसमें आपका कमांड हो, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो सत्शास्त्र का श्रवण और चिंतन हम करते रहे। मोक्ष प्राप्ति के बाह्य हेतु तो तीन थे, फर्स्ट क्या था, जिनेन्द्र देव का दर्शन, दूसरा था सद्गुरु की उपासना, और तीसरा सत्शास्त्र का श्रवण और चिंतन। ये तीन बाह्य कारण थे। आंतरिक कारण, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा का आंतरिक कारण, तो सबसे पहला कारण है, दिखाई दे रहा है आपको बराबर? अच्छा, संसार के स्वरूप का चिंतन करना, संसार का स्वरूप। तो अनादि काल से हमारी आत्मा इस संसार चक्र में घूम रही है। तो संसार चक्र में क्यों घूम रही है हमारी आत्मा, तो कहती है अनंत शक्ति संपन्न है। अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी हम संसार चक्र में क्यों घूम रहे हैं, इसका आंसर बता सकते हैं आप? कर्मों के कारण। लेकिन हम अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, हमने अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना कि हम अनंत शक्ति संपन्न है, इसीलिए हम घूम रहे हैं। अनंत शक्ति को हम पहचान लेते कि हम भी अनंत शक्ति संपन्न है। जैसे वो सिंह का शिशु था ना, सिंह का बच्चा, तो वो एक बार माँ से बिछुड़ जाता है और भेड़ के टोले में वो चला जाता है। तो भेड़ के टोले में चला जाता है, जैसे भेड़िया घास चरते तो वो भी घास चरता है, वो मेमे करता तो वो भी मेमे करते, जैसे वो करता वैसे ही वो सारा सेम वो बिहेवियर करने लग गया। एक दिन सिंह आता है, वो एकदम दहाड़ता है, उसने देखा ये भी मेरे जैसा, मैं भी इनके जैसा हूं, तो वो इतना दहाड़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसकी शक्ति जागृत होती है, उसने सोचा कि मैं भी सिंह हूँ, सिंह का बच्चा हूँ, तो उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया। उसके बाद वो वैसे ही बिहेवियर करने लगा सिंह जैसा। जब तक शक्ति को नहीं पहचाना अपनी शक्ति को, तब तक वो भी भेड़िए जैसा बकरी जैसा ही वो बिहेवियर कर रहा था। वैसे ही हमारे भीतर भी अनंत शक्ति है, लेकिन हमने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, इसीलिए हम संसार में अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं। कभी हमारा जीव पृथ्वी काय में चला जाता है, यानी पृथ्वी बन जाते हैं,
और कभी हम पानी बन जाते हैं, कभी हमारा जन्म फायर में हो जाता है, यानी हम खुद अग्नि बन जाते हैं, कभी हमारा जन्म वायु के रूप में हो जाता है, कभी हमारा जन्म वनस्पति के रूप में हो जाता है, कभी हम दो इंद्रिय वाले यानी लट आदि बन जाते हैं, कभी तीन इंद्रिय वाले चींटी मकोड़े आदि बन जाते हैं, कभी हम चार इंद्रिय वाले यानी मक्खी मच्छर बन जाते हैं, तो कभी हम देव गति में चले जाते हैं, और कभी हम नरक गति में चले जाते हैं, कभी एनिमल से बन जाते हैं, कभी बर्ड से बन जाते हैं, कभी हम मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य में भी कभी भंगी बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी सिख, कभी ईसाई, पता नहीं क्या क्या हम बन जाते हैं, कभी कभी रेयर चांस होता है तब हम जैन बनते हैं। तो अभी हमारा चांस क्या है, लकी ड्रॉ लगी है, मनुष्य भाव में भी हम मनुष्य भाव तो कई लोगों को मिल जाता है, लेकिन भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती है, तो लकी ड्रॉ हमारी लगी है, तो भगवान की वाणी हमें सुनने को मिली है। तो संसार का स्वरूप कैसा है, चार गतियों का स्वरूप कैसा है, नरक गति का चिंतन करें कि नरक गति कितनी है, सात नरक है, तो सातों नरकों में भयंकर कष्ट है, एक से बढ़कर एक, पहली नरक से दूसरी नरक में ज्यादा, दूसरी से तीसरी में ज्यादा, तीसरी से चौथी में, ऐसे करते करते सातवीं नरक में हाईएस्ट लेवल का क्या होता है, पेनफुल सिचुएशन होती है, वहां की भयंकर कष्ट, एक मोमेंट के लिए भी वहां पे शांति नहीं होती, निरंतर काटो काटो पीटो पीटो मारो मारो ऐसी आवाज ही आती रहती है, भयंकर कष्ट। तो ऐसी हम चिंतन करें कि नरक गति में कितने कष्ट होते हैं, परमाधामी देव होते हैं वो क्या करते हैं, तीन नारकी तक उनको कष्ट कष्ट देते हैं, उसके बाद आगे की नारकी में आपस में लड़ते रहते हैं, कभी कभी बहन भाई लड़ते हैं तो बोलते हैं ये कहीं नरक से तो नहीं आए, आपस में लड़ते रहते हैं, तो कभी कभी वहां आपस में ही कोई उनको दुख देने वाला नहीं है, लेकिन आपस में ही एक दूसरे को मारते काटते पीटते, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो चौथी नारकी से सातवीं नारकी तक परस्पर वेदना होती है, तीसरी वेदना होती क्षेत्र कृत, यानी वहां का क्षेत्र वहां का प्लेस ऐसा है कि जाने मात्र से व्यक्ति को भयंकर कष्ट होता है, ऐसा बदबू भरा स्थान, फ्यूम ब्लड ऐसे सब बह रहा है, भयंकर बदबू, ऐसे रह नहीं सकते, और वहां का वहां की जो गंध होती है, आप मिर्ची चमकते ना, मिर्ची चमकते तो कितना आपको तीखा लगता है, उससे भी ज्यादा तीखा ऐसा धुआं, वहां का धुआं होता है, तो वहां का कष्ट, अनंत प्यास होती है, अनंत भूख होती है, लेकिन और अनंत ठंड होती है, भयंकर ठंडी होती है, भयंकर गर्मी होती है, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनको ठंडी गर्मी, मतलब उनको वहां सोचे कि हमें गर्मी लग रही है तो हमें ठंडी चाहिए, एयर कंडीशन में चले जाए, वहां भी चले गए तो वो ऐसा वृक्ष होता है कुटसालमली वृक्ष, वहां की पत्तियों से पत्तियां गिरती हैं तो जैसे कोई तीर उनके ऊपर गिर रहा है, ऐसा उनको कष्ट होता है भयंकर, ऐसी वहां की लीव्स पत्तियां होती है छुरी जैसी चुभती है, एक क्षण के लिए भी वहां साता नहीं है, और तिरंज गति हमारे सामने एनिमल्स, वो बेचारे भूखे प्यासे भटकते रहते हैं, उनको कौन साता पूछते, बीमार हो जाते कौन साता पूछता है, अमेरिका में यहाँ तो रोगी को अच्छा रखा जाता है, केट को भी रखा जाता है, लेकिन बाकी जो आप देखते हैं गाय भैंस उनके साथ कितना बिहेवियर क्रूरतापूर्ण हो रहा है, तो कैसे बेचारे बंधन में बंधे हुए होते हैं, इधर से उधर वो हिल भी नहीं सकते, जब बेल्जियम हम गए थे हमको दिखाने के लिए ले गए थे गायों का कि आप देखो समझ लीजिए काउज यहाँ है बहुत अच्छा दूध होता है, लेकिन देखा सबके सब खड़ी थी, बैठने की भी जगह नहीं, ऐसे हिल भी नहीं सकती है, ऐसी सिचुएशन में हमने कितनी बार हम भोग चुके हैं, तो गाय भैंस ये पशु पक्षी की स्थिति कितनी भयंकर है, उनका हम चिंतन करते थे, अब हम ऐसा कर्म ना करें जिसके कारण हमें नीचे जाना पड़े, तो तिरंज गति के जीवों के भी कितने कष्ट हैं, और मनुष्य गति में भी कष्ट है, हम सुख मान करके बैठे लेकिन यहाँ पर भी कोई सुख नहीं है, तो मनुष्य गति में भी कितने कष्ट हैं, तो मनुष्य गति में कष्ट है लेकिन हम इसमें चिंतन कर सकते हैं, जैन बने तो हम धर्म की आराधना भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यह संसार चक्र दिखाई दे रहे हैं आपको, संसार चक्र, तो संसार चक्र कैसा है देखिए, तो एक व्यक्ति है वो जंगल में जा रहा, जंगल से जा रहा था, तो चलते चलते
देखा एक पेड़ है, उसके ऊपर जो मधुमक्खी थी, मधुमक्खी का पूड़ा वो बंधा हुआ था, मतलब मधुमक्खी थी वहां पे बहुत सारी, तो उससे वो रस जो हनी थी शहद वो टपक रहा था। तो उसने एक बूंद मुंह में ली ऐसे करके, देखो लटक रहा है ना, और उसके ऊपर ये मधुमक्खी का पूड़ा है, तो वहां से वो बूंद बूंद करके वो शहद उसके मुंह में आ रही है, तो मीठी लग रही है। और नीचे क्या है, भयंकर सांप कुआं है, कुएं के अंदर सांप है, और नीचे एक हाथी भी है, और जो जिस वो डाल को पकड़ के रखा है उस पे दो चूहे, एक काला चूहा ये दिखाई नहीं दे रहे हैं तो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ एक व्हाइट चूहा है, दो चूहे हैं। तो ऐसी, और इधर क्या होता है, देवी देवता कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, उनका विमान रुक जाता है, सोचा कोई व्यक्ति दुखी है उनको हम अपने विमान में बिठा लेते हैं। उस व्यक्ति से देवी देवता निवेदन करते हैं, आप इतने दुखी हैं, आप नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, कुएं के अंदर गिरेंगे और सांप आपको काट लेंगे, और अगर वो नहीं गिरे तो भी क्या होगा, ये जो आपके चूहे हैं व्हाइट और ब्लैक, वो चूहा क्या है, कभी भी डाल को काट सकता है, आप नीचे कभी भी गिर सकते हैं, आप प्लीज हमारे विमान में बैठिए ताकि आप सेफ घर पहुंच जाओ। उसने कहा ए प्लीज 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, आप बोलते हैं 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, एक बूंद ले लेता हूं, एक बूंद जैसे ही आ जाएगी फिर मैं चलता हूँ। एक बूंद ले ली शहद की, अब एक बूंद और ले लेता हूँ। तो संसार के सुख कैसे हैं, संसार के सुख वो शहद जैसे थोड़े से सुख है, दुख बहुत ज्यादा है, चारों ओर दुख ही दुख है, देख रहे हैं ना, चारों ओर दुख है, इधर चूहे काट रहे डाली, इधर हाथी भयंकर पागल हाथी है, वो नीचे गिरा तो कभी भी उसको मार सकता है, इधर नीचे कुएं में गिरे तो सांप उसको काट सकते हैं, संसार में भी देखे तो चारों ओर दुख ही दुख है, इतना सा बूंद जितना शहद की बूंद, एक बूंद मुंह में आ रही, उतना सा सुख है, लेकिन उस सुख को हम छोड़ नहीं पा रहे। देवी देवता बेचारे आए हैं लेने के लिए, फिर भी वो नहीं बैठता है विमान में, नहीं जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद धड़ाम से वो जो डाली होती है टूट जाती है, धड़ाम से वो मनुष्य क्या है कुएं के अंदर गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही हम इस संसार में भी क्या कर रहे हैं, अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, थोड़े से सुखों के कारण हम बहुत सारे कर्मों के बंधनों को कर रहे हैं। तो चारों गतियों के बारे में हम चिंतन करें, ये चारों गतियों में हमने कितनी कितनी बार जन्म ले लिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार नहीं, सैकड़ों करोड़ों लाखों बार, यानी अनंत, जिसका अंत नहीं, अनंत बार हम एक एक योनियों में एक एक गति में जन्म ले लिया। एक हमने जन्म कहाँ नहीं लिया अभी तक, अनुत्तर विमान में हमारा जन्म नहीं हुआ है, अनुत्तर विमान में जन्म हो जाए तो श्योर वहां से निकलते ही महावीर क्षेत्र से मोक्ष जा सकता है मनुष्य। अनुत्तर विमान में जन्म उनका होता है जिनके पास सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है वो अनुत्तर विमान का देव बनता है, और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम हाईएस्ट नवग्रह तक जा सकते हैं, नवग्रह तक, उसके आगे नहीं जा सकते। तो अभी तक हमारा अनुत्तर विमान में, पांच अनुत्तर विमान है ना, विजय विजयन जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्ध, ये पांच अनुत्तर विमान है, वहां पर हमारा जन्म नहीं हुआ है। बाकी संसार में हम प्रत्येक स्थान पर, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, जहां पर हमारे जीव ने जन्म न लिया हो, हमने और आपने एक बार नहीं, अनंत अनंत बार हम बन गए कीड़े मकोड़े, कितनी बार बन गए, प्लांट में चले गए, कभी पानी बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, अभी हम मनुष्य बन गए, हम सोचते हैं कि यही हम रहने वाले हैं, परमानेंट है, परमानेंट है, हम लोग परमानेंट नहीं जानते हैं, फिर भी हम इसे संसार में रचे पचे, जैसे मरने वाले तो कोई दूसरी, हमारा तो यही हमेशा पूजा होती रहेगी। पूछते युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण जी से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या संसार का, तो कृष्ण जी कहते हैं अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरे शेषा जीवी तुम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। प्रतिदिन एवरी डे सैकड़ों सैकड़ों लोग मृत्यु के मुख में जा रहे, यानी मृत्यु की गोद में जा रहे, यानी मृत्यु हो रही है सैकड़ों लोगों की हमारे आंखों के सामने, से सारे जीव क्या सोचते हैं कि मरने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारी तो हमेशा
पूजा होती रहेगी, इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या हो सकता है। हम आंखों के सामने देख रहे हैं अपने कितने लोग जा रहे हैं, प्रतिदिन न्यूज में भी आप पढ़ते हैं, न्यूज सुनते भी हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन हमें कभी भी मन में नहीं आता कि हमारी भी ऐसी मृत्यु होगी। हम तो सोचते कि बेचारा था मर गया, ऐसे हो गया, बेचारा बीमार था या बेचारे के एक्सीडेंट हो गया, बस उतना सा हम मोल करके रह जाते हैं। लेकिन हमारे भीतर इच्छा नहीं होती कि हम कब जन्म मरण से मुक्त बने, कर्मों के बंधनों से मुक्त बने। हमें एक बहु अवतारी बनना है या अल्प भवी, ऐसा पुरुषार्थ करें इस जन्म में हम एक बहु अवतारी बन सकते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल हैं, उनमें से फर्स्ट बोल है मोक्ष की इच्छा करने से जीव जल्दी मोक्ष जाता है। तो मोक्ष की इच्छा करें, मोक्ष की इच्छा किसको होती है, जब जीव चरमावर्त काल में आता है, यानी अंतिम पुद्गल परावर्तन में जब जीव आता है तब उसको मोक्ष जाने की इच्छा होती है। तब तक तो उसको मोक्ष जाने की इच्छा भी नहीं होती है। कितने सारे लोग हैं, हम बोलेंगे आपको मोक्ष जाना, नहीं नहीं समझिए, स्वर्ग अच्छा है, मोक्ष जाके क्या करेंगे, वहां कुछ भी नहीं करना है, न खाना न पीना न सोना न घूमना। कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनको जिस क्या चाहिए, इंजॉय चाहिए, वहां तो कुछ इंजॉय जैसा कुछ है ही नहीं, वहां तो केवल ऐसे, हमें मोक्ष नहीं जाना है। हर किसी को मोक्ष जाने की इच्छा नहीं होती है, वो नहीं जानते कि मोक्ष जाने से कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल है वो हमेशा हमेशा के लिए कट हो जाएगी। संसार में सबसे बड़े दुख क्या है, कितने दुख है संसार में, संसार में 4 दुख है, बड़े 4 दुख है। भगवान महावीर कहते हैं जम्म दुखम, जम्म यानी जन्म दुख है। जन्म जब जीव का होता है, आप जानते हैं बच्चे को कितना कष्ट होता है, बेनकुश स्थिति होती है, 9 महीने तक वो गर्भ में रहता है, बंद बंद थैली में, कितना कष्ट का जीवन होता है। जब गर्भ में होता है तब तो बच्चा प्रभु से प्रार्थना करता है, मुझे बाहर गर्भ से निकालो, बाद में आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, जन्म होता है, सब भूल जाता है। गर्भ में होता है ना, उस समय तो प्रभु से प्रार्थना करता है, मुझे जल्दी बाहर निकालो, भयंकर पेन हो रहा है मुझे, पेन की पेनफुल स्थिति होती है। 9 महीने की जो स्थिति होती है, वो माता यदि बैठती है तो उसको लगता है कि मुझे पहाड़ से नीचे गिराया है, उठती है बैठती जो भी काम करती है उसको बड़ा कष्ट होता है। उस समय तो बच्चा भी भगवान से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु भगवान मुझे जल्दी गर्भ से बाहर निकालो, फिर तो मैं आपका भजन ही भजन करता रहूंगा। लेकिन जैसे हम गर्भ से बाहर आ जाते हैं फिर तो हम भूल जाते हैं सारे कष्टों को, और संसार में हम क्या हो जाते, रचे पचे हो जाते, रच जाते हैं, उसी में रम जाते हैं हम संसार में, संसार के काम भोगों में ही हम आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो संसार के जो दुख है 4 बड़े, उसमें सबसे पहला दुख है जन्म का, जन्म दुखम, जरा जरा यानी ओल्ड एज भी दुख है। ओल्ड एज में कैसी सिचुएशन होती है, बेचारा बैठ नहीं सकते हैं, नी की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, ऐसी कई लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है। कोई कोई पुण्यशाली होते हैं, हमारे ओलैंड में हमारे दादा है, बड़े पुण्यशाली है, 85 ईयर कंप्लीट हो गए, आज भी बोले नो ब्लड प्रेशर, नो डायबिटीज, कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट। आज भी वो गाड़ी चला करके हमारी ग्रोसरी कराने के लिए आते हैं, दादी और दादा दोनों ही, दादी दादा से प्रसिद्ध है। तो पुण्यशाली कोई कोई जीव होते, सबके ऐसा नहीं होता है, ओल्ड एज चलती है फिर भी इतने निरोगी है, इसका मतलब पूर्व पास्ट लाइफ में उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, साता दिए सभी जीवों को, प्राण भूत जीव और सत्व, इनको साता देने से हमारे शरीर में भी साता रहती है। यदि हम उनको कष्ट पहुंचाते हैं तो हमारे शरीर में भी बीमारी कोई ना कोई आती रहती है। तो दूसरा दुख है ओल्ड एज का, जम्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानि, रोग दुख है। तीसरा दुख क्या है, रोग डिजीज, शरीर में कोई डिजीज हो जाती है तो उससे भी व्यक्ति क्या है, परेशान हो जाता है, खुद भी नहीं परेशान रहता है, साथ वाले भी परेशान हो जाते हैं, और डॉक्टर के चक्कर चालू होने से पैसे का भी पानी होता है। तो रोग भी बड़ा दुख है। चौथा दुख है मृत्यु का, सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का। मृत्यु जब होती है व्यक्ति की सिचुएशन कैसी पेनफुल हो जाती है। कोई कोई लोग होते हैं भाग्यशाली जिनकी एकदम पीस रेट होती है, अदरवाइज कई लोगों की बहुत ही कष्टदायक होती है। इस संसार में 4 दुख है, उसका हमें चिंतन करना है। तो संसार के दुखों का हम चिंतन करते रहे,
उसके साथ साथ जो 12 भावना है, अनित्य भावना, असरण भावना, उनका भी हम चिंतन करते रहे तो हमारे क्या है, जो कष्ट है, दुख है, वो दूर हो सकते हैं और हमारे भीतर वैराग्य की भावना हो सकती है। तो जब हमें मोक्ष की इच्छा होती है तो उसका फल क्या है, अनंतानुमंदी कसाय है, वो उसका क्षोपसम हो जाता है। यानी आज तक हमारे कसाय जो अनंतानुमंदी, जिसका कोई अंत नहीं था, ऐसा कसाय का भी क्षोपसम होने से हमारा मिथ्यात्म का नाश हो जाता है और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को हो जाती है तब उसे आत्मा के प्रति विश्वास हो जाता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर उसकी भक्ति जागृत हो जाती है आत्मा के प्रति, आत्मा के प्रति अवेयर हो जाता है। अब तक तो हम शरीर के प्रति अवेयर थे कि मेरी शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मोह, सबसे बड़ा अटैचमेंट हमारा शरीर के प्रति होता है, उसके बाद फैसिलिटी के जो साधन उसके साथ होता है, फिर बच्चों के पास साथ होता है। हम सोचते हैं बच्चे हमें बहुत प्यारे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, हमारा शरीर, हमारी बॉडी। क्योंकि बॉडी का थोड़ा सा भी पेन होगा, अरे कहीं अटैक तो नहीं आ गया, चलो डॉक्टर के दिखा के आ जाते हैं, ऐसे होता है ना। सबसे ज्यादा हमारा स्नेह, राग या अटैचमेंट कहे तो वो बॉडी के प्रति होता है, उसके बाद रिलेटिव्स के प्रति, बच्चों के प्रति होता है, लेकिन सबसे पहला किसके प्रति अटैचमेंट होता है, बॉडी के प्रति। लेकिन सम्यक दर्शन की जैसे जीव को प्राप्ति होती है तो वो क्या सोचता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो ऐसा वो चिंतन करता है, वेद विज्ञान का अनुभव हो जाता है और फिर वो वीतराग धर्म की ओर वो अग्रसर हो जाता है। अब तक तो वो संसार के जो दूसरे दूसरे धर्म थे, वीतराग धर्म का मतलब है जिसने राग द्वेष को जीत लिया है, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा हो जाती है, देव गुरु धर्म के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा हो जाती है। नहीं, जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होता है तब तक उनकी श्रद्धा डावाडोल रहती है। तो वीतराग धर्म की ओर अग्रसर हो जाता है और सांसारिक जो भी इच्छाएं होती है वो भी सब समाप्त हो जाती है। फिर उसकी इच्छा क्या होती है, धर्म धार्मिक अनुष्ठान के लिए होती है। ये मोक्ष की इच्छा का फल, यानी मोक्ष की इच्छा जब हमारे भीतर जागृत होती है तो कितना बड़ा उसका रिजल्ट मिलता है। तो आज हमारा फर्स्ट गोल है वो कंप्लीट हो गया है, मोक्ष प्राप्ति के 23 स्टेप्स हैं, उसमें से फर्स्ट स्टेप्स हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। दादा इसी से संबंधित